पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को 18 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी, निहंगों के हमले में कट गया था हाथ। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मध्य प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के आंकड़े बढ़कर हुए 2660, हो चुकी है 137 मौतें। गुरुग्राम में पत्नी का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने के कुछ घंटे बाद 54 वर्षीय पति ने की आत्महत्या। जबलपुर में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने से पहले ही परिवारजनों को शव सौंपने के मामले में विक्टोरिया कमरचुरी प्रभारी निलंबित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, सरकार को गरीबों की मदद करने के लिए 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत, जीडीपी के मद्देनजर अधिक नहीं है 65,000 करोड़ रुपए। अनूपपुर जिले में 30 अप्रैल को आईसीएमआर लैब जबलपुर से प्राप्त रिपोर्ट में 2 व्यक्ति पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अनूपपुर कलेक्टर के आदेश पर कर्फ्यू से मुक्त हुआ अनूपपुर, निर्धारित समय पर खोली जा सकेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें। अनूपपुर जिला कलेक्टर दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा, घबराए नहीं, कोरोना की इस लड़ाई में प्रत्येक नागरिक का जिम्मेदार आचरण आवश्यक है। शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर हुए 35,000 के पार, हो चुकी हैं 1,147 मौतें। कोरोना संक्रमित मरीज की सूचना मिलते ब्योहारी के ग्राम आदारी पहुंचे शहडोल कलेक्टर, प्रभावित गांव की नाकाबंदी कर पीड़ित मरीज के संबंध में ले रहे हैं जानकारी। लगातार 2 दिनों में ऋषि कपूर और इरफान खान के निधन के बाद वायरल हुई डी डे फिल्म की क्लिप। अनूपपुर जिले में पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों को प्रारंभिक जांच से ही किया गया था क्वारंटाइन। ग्वालियर में हजीरा थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी सहित 50 लाख कीमत के शराब का जखीरा किया बरामद। अनूपपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों को जिला चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में करवाया गया भर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, तीसरा लॉकडाउन भारत की अर्थव्यवस्था के लिए होगा विनाशकारी। अमरकंटक वार्ड नंबर 15 पार्षद अंजना कटारे द्वारा वार्ड नंबर 15 में लॉकडाउन के चलते जरूरतमंदों को दिया जा रहा है राशन तथा खाद्य सामग्री। मुंबई में किया गया अभिनेता ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार, आलिया भट्ट सहित 20 लोग रहे शामिल, गुरुवार को मुंबई के अस्पताल में हुआ था निधन। गुड़गांव हरियाणा में फंसे लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री एवं छतरपुर कलेक्टर से लगा रहे हैं गुहार, बुला ले हमें हमारे गांव छतरपुर। नर्मदा खंड बजरंग सेना द्वारा देवनगर पुराना में घर घर जाकर लोगों के घरों को किया जा रहा है सैनिटाइज, साथ ही वितरित किया गया मास्क, लोगों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने का दिया सुझाव।